नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्वल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम का नया शो जिसका नाम है सोशल ज्ञान, जहां हम आपको बताते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रेंड हुआ, किसने किसे ट्रोल किया, तो कौन सी वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचाया। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते क्या रहा खास। सोशल मीडिया पर फिर ट्रोल हुई दीपिका पादुकोण, भड़के नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों को ही बोल दिया शराबी। 52 साल की महिला से 21 साल के लड़के की शादी वाली वीडियो मामले की सच्चाई आई सामने। महिला कांस्टेबल का रैगिंग कर रहे छात्रों को पकड़ने के लिए फुल टू फिल्म स्टाइल। वायरल गाने पतली कमरिया पर रील बनाना कैसे, 4 महिला पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर और जानते हैं क्या था खास। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को तो आप जानते ही होंगे जनाब। आजकल अपने अजीबोगरीब ड्रेसिंग स्टाइल के कारण काफी ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन लगता है कि उनकी संगत का असर अब उनकी पत्नी पर भी पड़ गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का एक नया गाना रिलीज हुआ है। ये गाना उनकी शाहरुख खान के साथ आने वाली फिल्म पठान का है। इस गाने में वह बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन गाने में उनके द्वारा पहने गए कपड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। लोगों ने उनके कपड़ों पर नाराजगी जताई है, जिसके कारण ट्विटर पर हैशटैग चलाकर उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है। वहीं इस मामले में एक यूजर ने दीपिका को ट्रोल करते हुए ट्विटर पर लिखा, दीपिका पादुकोण शादी के बाद बचत करना सीख गई है और शुरुआत उसने अपने कपड़ों से की है। वहीं एक और यूजर ने शाहरुख खान और दीपिका दोनों को ही ट्रोल करते हुए लिखा, बस न्यूड होना बाकी है, कहां गई स्टार पावर, एक बादशाह ऑफ बॉलीवुड दूसरी क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट, फिर भी ये नौबत कैसे, और लोग कहते हैं ही इज हेयर टू सेव बॉलीवुड। वहीं बॉलीवुड के बुरे दिनों में बॉयकॉट गैंग भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। यहां भी इस गैंग की एंट्री हुई है और उसने ये तक कह दिया कि देखिए हम ये मूवी नहीं देखेंगे और इसका पूरा बहिष्कार करेंगे। इस बीच कुछ लोगों ने दीपिका द्वारा पहनी गई ड्रेस पर आपत्ति जताते हुए इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की है। कुछ संगठनों ने तो पठान मूवी को थिएटर में न लगने देने की चेतावनी दी है। मामला अब गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बार बॉयकॉट गैंग का असर फिल्म पर कितना पड़ता है। अगली खबर आ रही है बिहार से, जहां सीएम नीतीश कुमार कुछ दिन पहले काफी गुस्से में नजर आए थे। नीतीश कुमार इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीजेपी विधायकों को ही शराबी बोल दिया। क्या हो गया? अरे अब आपको जरा मामले के बारे में भी बता दूं। दरअसल हुआ यूं कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस बीच बीजेपी ने सदन में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला उठा दिया। फिर क्या, बीजेपी विधायकों ने नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद नीतीश कुमार एकदम भड़क गए और उन्होंने गुस्से में बीजेपी विधायकों को ही शराबी बोल दिया और वहां से उठकर चले गए। जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। एक यूजर ने मजे लेते हुए ट्विटर पर लिखा, लगता है बाईपोल में मिली हार का झटका बड़ी जोर से लगा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिना बौखलाए इन सवालों का जवाब देना चाहिए। हाल ही में कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि एक 52 साल की महिला ने 21 साल के लड़के के साथ शादी रचाई है। ये अजीबो गरीब लव स्टोरी इस कदर वायरल हुई कि लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। सबसे पहले तो आप ये वायरल वीडियो देखिए। शादी करी आप दोनों? हाँ जी। कितनी एज है भाई आपकी? 21 है। और इनकी कितनी एज है? 52। तो भाई आपने सही करा। प्यार की देखो कोई एज नहीं होती, प्यार कभी भी हो सकता है। आप लोग खुश हो मतलब इस शादी से? दोनों जी, खुश है। दोनों खुश हैं। वीडियो देखने के बाद आपको भी समझ आ गया होगा कि 21 साल की उम्र का लड़का अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करने का दावा कर रहा है। लड़का तो ये तक कहता हुआ नजर आ रहा है कि प्यार की तो कोई उम्र नहीं होती है, बस दिल देखा जाता है। जिसके बाद ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इसे सचमुच की शादी मानने लगे। लेकिन इस वीडियो को लेकर कुछ लोग जरूर ऐसा मान रहे थे कि शायद ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। जिसके बाद जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि वीडियो बिल्कुल नकली है। इस वीडियो को सिर्फ वायरल कराने के मकसद से ही बनाया गया था, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो भी उसी अकाउंट पर मौजूद थे। मैं अकेली हूं, मेरा दिल नहीं करता है मुझे भी कोई अच्छा कोई मेरे जीवन साथी, मेरी किस्मत में यही थे
इन्होंने एकदम से प्रपोज किया कि ऊपर वाले ने इनको भेजा ना मेरे लिए। मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा इन पे क्योंकि मैंने 3 साल देख लिए। यार की कोई एज नहीं। बहरहाल लोग आजकल इंटरनेट पर खुद को वायरल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, इस बात में दम तो लगता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक मामले में ऐसा बिल्कुल सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इंदौर से एक मामला सामने आ रहा है। यहां पर एक कॉलेज में महिला कांस्टेबल ने फुल टू फिल्मी स्टाइल में रैगिंग कर रहे छात्रों को पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल जिनका नाम शालिनी चौहान बताया जा रहा है, वह सबसे पहले तो खुद एक स्टूडेंट बनकर कॉलेज में घुस गई, जहां वह आम छात्रों की तरह रोजाना अपने कंधे पर बैकपैक लटकाते हुए क्लास में जाती थी और कैंपस में अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी। साथ ही अन्य स्टूडेंट्स की तरह क्लास बंक भी करती थी। मतलब काम चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, नकली कॉलेज लाइफ में भी बंक जरूरी है भाई साहब। हालांकि स्टूडेंट बनकर कॉलेज गई शालिनी चौहान की सच्चाई कुछ और ही थी। वह एक अंडरकवर एजेंट थी जो कैंपस के अंदर रैगिंग करने वालों की तलाश कर रही थी। शालिनी ने फिल्मी स्टाइल में एक दो नहीं बल्कि 11 रैगिंग करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया। मामले में लेडी कांस्टेबल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक गाना खूब छाया हुआ है। इस गाने का नाम है पतली कमरिया। इस गाने पर रील बनाकर लोग खूब वायरल हो रहे हैं। वहीं यूपी में भी 4 महिला पुलिसकर्मी इस गाने पर वीडियो बनाकर वायरल हो गई हैं। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद 4 महिला पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले आप ये जरा वीडियो देखिए। दरअसल मामला ये था कि इन कांस्टेबल्स को राम जन्मभूमि स्थल पर सुरक्षा कर्मियों के तौर पर तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही इन कांस्टेबल्स के डांस का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 महिला पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक यूजर ने सस्पेंड हुई महिलाओं का समर्थन करते हुए लिखा, अरे भाई ये भी इंसान है, इनकी भी अपनी जिंदगी है, क्या इनको अपनी ड्यूटी के बाद मनोरंजन करने का हक नहीं, मारो कोर्ट का नोटिस ऑफिसर के मुंह पर। इस पर एक और यूजर ने लिखा, हद हो गई है, कुछ भी किसी को भी सस्पेंड कर देंगे, आदमी की पर्सनल लाइफ भी है या खत्म हो गई है। इस मामले में महिलाओं को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनकी भी जिंदगी होती है, इसलिए उन्हें भी मनोरंजन करने का हक है। इस वीडियो में तो ये महिलाएं यूनिफॉर्म और ड्यूटी पर भी नहीं है, तो इस पर अगर वह वीडियो बना भी लेती हैं तो उसमें क्या गलत हो जाता है। प्रशासन को ऐसी कार्रवाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना गलत है। अब आप हमें बताइए कि आपके अनुसार ये कार्रवाई सही थी या नहीं। आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें जिन्होंने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। फिलहाल हमारे शो में इतना ही। जल्द आपके सामने हाजिर होंगे इसी शो के साथ जिसका नाम है सोशल ज्ञान। तब तक के लिए धन्यवाद।